लेकिन 2000
शामिल कीजिए। फिर डीएलईडी अपनी वरीयता की मांग कर लेता है। नेत्रहीन छात्र जो है 4% कोटे की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट चले जाते हैं, तो आप क्या कहिएगा, सिस्टम में खेमों की गलती है या सरकार की भी गलती है, ये भी तो मानिए। और दूसरी बात, जब सबसे बड़े लोकतंत्र की जो ये चुनाव होते हैं, जब तब तो एक दिन में नतीजे आ जाते हैं, आप इस सिस्टम को भी डिजिटलाइज कीजिए। जब इतने लोग, करोड़ों की संख्या में लोग मतदान करते हैं, हमारे देश की आबादी देखिए कैसे एक दिन में नतीजे आ जाते हैं, वैसे ही सिस्टम को भी आप डिजिटल कीजिए। जी बोलिए लव सिंह जी। मैडम, एक दिन में कोई सिस्टम पूरी तरह से सुधर जाए ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। बैलेट पेपर से ईवीएम मशीन पर तो आए आए ना, हम भी ऑफलाइन फॉर्म फिलअप सिस्टम से हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप पर आए, इस सिस्टम को भी डिजिटल कीजिए। आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारे सरकार की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, और फॉर्म फिलअप पे कहां एक विद्यार्थी को 40,000 और 50,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। पैदल जाना पड़ता है, बस का भाड़ा लगता है, जगह जगह जाके वो रिक्तियों के हिसाब से पहुंचता है, फॉर्म फिलअप करता है। मैं भी एक प्रखंड का प्रमुख जी मैडम सुकन्या जी, आपको बता दूं हमारे यहाँ पे लोग फॉर्म भरते हैं, अब फॉर्म तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी भरे जाते हैं, आप जाके ही भरे, ऐसी थोड़ी बात है, आप पोस्टकार्ड के द्वारा कहीं अभी आप पोस्ट ऑफिस देखिए आलोक आपको जवाब देंगे, स्वीकार होगा, ऐसा नहीं है, आलोक जी जवाब देंगे, आलोक जवाब दे रहे हैं। सिस्टम ये आपका सिस्टम है बहाली करने का, 24,000 रुपया लगे वो खर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आलोक जी, आपने डिजिटल इंडिया का नारा आपने दिया, डिजिटल इंडिया का नारा दिया तो डिजिटल इंडिया ऑनलाइन फॉर्म से स्वीकार कर रहे हो। आप एसटीटी का एग्जाम लिए हैं, ऑनलाइन करने जा रहे हैं इसकी बहाली, एसटीटी का एग्जाम तो अभी ऑनलाइन लिए हैं आप, अभी बता रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो ऑनलाइन सब बहाली सब करने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने निर्णय लेगी इस तरह का उचित प्रक्रिया के तहत, जैसे हम अब तुरंत यहाँ पे कर देगा ऑनलाइन बहाली, कल से शुरू कर देंगे तो बहाली शुरू हो जाएगी। एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को पालन करते हुए निश्चित तौर पे बहाली की जाएगी। आप निश्चिंत रहिए आलोक जी, हमारी सरकार पूरी गंभीर है और शिक्षा के मामले में और भी गंभीर है। नहीं नहीं, अरे आप बताइए, आप प्रक्रिया 2011 से आप कर रहे हैं, आपको नहीं लगा रहा है जो आप बहाली करने जा रहे हैं वो छठे चरण की बहाली हो रही है। 2011 से 2021 आ गया और ये छठे चरण की बहाली होने जा रही है, यानी 10 सालों में आप 5 चरण की बहाली किए हैं और 5 चरण में इतना सीट भरा कि अभी भी 94,000 सीट आपका खाली रह गया है। प्रयासरत है ना, उसके लिए भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसके लिए प्रखंडों में, पंचायतों में, हर एक विद्यालय में फॉर्म फिलअप हो रहा है कि अरे अच्छा ये अच्छा एक बार बताइए, 94,000 सीट आपके खाली है, आप मान रहे हैं अभी तक, और आपने खुद देखा कि हाईकोर्ट ने कहा है 1,00,000 ऑलमोस्ट फर्जी शिक्षकों का फोल्डर देने के लिए, जिस मामले में आप देख रहे हैं, यानी जो कि अभ्यर्थी 2011 से बैठा हुआ है और उनके सिस्टम में सारे फर्जी शिक्षक घुसे हुए हैं, इनका तो कहना यही हुआ। फिर आप खुद मान रहे 94,000 डाकलब की वैकेंसी 2011 वाली, तो आप बताइए इतने सारे जो योग्य अभ्यर्थी थे वो 11 से लेकर 10 सालों तक तो मेंटल टॉर्चर हो रहा है कि हम टीईटी पास करके बैठे हुए, किसी की बहाली नहीं हो रही है, आप बताइए उसके लिए कौन जिम्मेवार है, क्या हमारी सरकार इसमें क्या जिम्मेवार है। जब जब बहाली करने की प्रक्रिया हमने शुरू किया, किसी ने किसी कारण बस रुक गया, बहुत सारी बहाली हुई थी बीच में, अरे बहुत सारी बहाली हमारी सरकार सरकार है, अरे हमारी सरकार है, हाईकोर्ट ने हमारी सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार सरकार है, क्या उसके लिए आपकी शिक्षक पूरी तरह से बताइए आप, गैर जिम्मेवार सरकार नहीं है, जिम्मेवार सरकार है और सारे विषयों पे हम देखिए देखिए लव सिंह जी लेते हैं, ये तो मानेंगे ना आप, ये तो मानेंगे ना कि बिहार एसटीईटी की परीक्षा जो 28 जनवरी 2020 को हुई थी उसमें आपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा था, कहीं ना कहीं बिल्कुल पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद आपको रद्द करना पड़ा था, तो सिस्टम में इतनी दिक्कत क्यों है, इतनी गड़बड़ी क्यों है। और सूचना के अधिकार में आया था कि इस एग्जाम को प्रकट कराने में लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, माननीय उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय पर हम टिप्पणी करने के पक्ष में नहीं है, माननीय उच्च न्यायालय के सारा निर्णय, माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, ऑनलाइन परीक्षा को उसने ठीक माना जो आपने आगे चलकर सितंबर 2020 में लिया, और इसमें रिजल्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। चलिए चलिए लव सिंह जी एक बात करते हैं, लव सिंह जी जी
माननीय उच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय लिया उसी को जा रहे हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं। उन्होंने निर्णय लिया तो हमने फिर अगले 2020 का परीक्षा न्यायालय ने रद्द नहीं किया था, आपकी सरकार ने रद्द करने का फैसला लिया। चलिए नवसिंह जी, आपसे एक सवाल ये है कि अभी बिहार में पंचायत के चुनाव होने हैं, पहले ये चुनाव बैलेट पेपर से होता था, राज्य निर्वाचन आयोग चाहता है कि नतीजे लेट आते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाता है, उनसे बचने के लिए इस बार ईवीएम मशीन से चुनाव होंगे और जिसके लिए हमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग से एनओसी की जरूरत है, इसको लेकर आपने पटना हाई कोर्ट का रुख किया है, वहां पर मामला अटका हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो चुनाव वगैरह है उसको तो डिजिटलाइज करने की कवायद खूब चल रही है, लेकिन जब शिक्षकों की बहाली का मामला आता है तो आप कहते हैं हम सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये, जो आपकी फ्लैगशिप योजना है, चाहे शराबबंदी हो, चाहे सात निश्चय पार्ट वन हो, पार्ट टू हो, उसको लेकर तो आप गंभीर दिखते हैं, कहते हैं कि जो मुखिया जो सात निश्चय योजना को ठीक से लागू नहीं करेगा, आप देखेंगे जल्द से जल्द इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। ऐसा नहीं है शिक्षक शिक्षित ही नहीं रहेगा, शिक्षा ही नहीं रहेगा तो शिक्षा। आप प्राइमरी डायरेक्टर के लेटर निकाल चुके हैं 8000 नियोजन इकाई को, तो मेरा सूची एनआईसी पे अपलोड किया जाए, लेकिन एनआईसी पे अभी तक 60% 70% नहीं मेरा सूची अपलोड हुई है, 40% अभी तक बाकी है। उन मुखिया पर या उन जो भी नियोजन निकाई है उसके ऊपर इनका कोई बस नहीं चलता है। प्राइमरी डायरेक्टर के पास बच्चे जाते हैं तो वो कहते हैं कि अब हम लोग के हाथ में नहीं है, हम लोग लेटर निकाल के उन लोग को दे रहे हैं, लेकिन कोई उनके तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। आप सोचिए कि जहाँ पे प्राइमरी डायरेक्टर के लेटर की वैल्यू नियोजन इकाई नहीं दे रहा है, वहाँ पे एक आम अभ्यर्थी का नियोजन सही से सुचारू रूप से हो जाएगा, इसका आप अंदाजा खुद से लगा। बात आलोक आपने रख दी। लव सिंह जी, मुझे तारीख बताइए कि 94,000 शिक्षकों की बहाली आप कब करेंगे, ये प्रक्रिया कब पूरी होगी, कब काउंसलिंग डेट रिलीज होगा, कब इनकी नियुक्ति इनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, तारीख बताइए, टाइमलाइन बताइए। इसके अलावा अगर हम माध्यमिक शिक्षक की बहाली की बात करें, जो बीएसटीटी का मामला है, उसमें क्या लगता है, हाईकोर्ट ने तो अब बोल दिया, आप कितने दिन में सरकार बहाली करेगी, आपकी सरकार है राज्य में, आपकी सरकार है ना, मुख्यमंत्री है ना नीतीश कुमार, टाइमलाइन दीजिए। टाइमलाइन कैसे फिक्स कर दूंगा, लेकिन जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मैं आप निश्चिंत रहे, जितनी जल्दी होगी इस निर्णय पर समीक्षा किया जाएगा, रिजल्ट लाया जाएगा और जो रिक्त पद है उसको भरा जाएगा, और 8000 नियोजन इकाई जो है 8400 नियोजन इकाइयों पे पत्र का असर अगर नहीं होता तो सभी मुखिया को अगर बर्खास्त करने लगे तो चुनाव कराते कराते चुनाव आयोग परेशान हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं है कि जो और तो लगता है 8400 पंचायत है, आप इस बात को भी देखिए।
साथ जेडीयू की तरफ से लव सिंह जी शामिल हुए। लव सिंह जी आपका शुक्रिया और साथ ही आलोक श्रीवास्तव।